बच्चों नमस्कार. देखिए बच्चों, इन द लास्ट क्लास आई टोल्ड यू द पोयम हेवन ऑफ फ्रीडम दैट वाज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर. यानी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी हुई कविता है जिसका नाम है हेवन ऑफ फ्रीडम, जिसको हम कहते हैं स्वतंत्रता का स्वर्ग. ये कविता बच्चों गीतांजलि नाम की रविंद्रनाथ टैगोर की जो मास्टरपीस है उसमें से दी हुई कविता थी. और मैंने विगत कक्षा में हेवन ऑफ फ्रीडम के बारे में बच्चों आपको बहुत विस्तार से समझाया था, ठीक है. एंड टुडे नाउ यू ओपन योर टेक्स्ट बुक एट पेज नंबर 82, पेज नंबर 82 के ऊपर आप अपनी पाठ्य पुस्तक खोलेंगे. एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द नेक्स्ट पोयम दैट इज इकोलॉजी, एंड द पोयम इज कंपोज्ड बाय एके रामानुजन. ये कविता एके रामानुजन के द्वारा रचित है. और एके रामानुजन बच्चों कोई विदेशी नहीं है, रविंद्रनाथ टैगोर भी विदेशी नहीं, एंग्लो इंडियन पोएट हैं. बहुत रविंद्रनाथ टैगोर एंड एके रामानुजन आर एंग्लो इंडियन पोएट्स. रविंद्रनाथ टैगोर तथा एके रामानुजन दोनों ही क्या बच्चों एंग्लो इंडियन पोएट है. एंग्लो इंडियन का मतलब यह है कि भारत के हैं परंतु ये अंग्रेजी भाषा के अंदर इन्होंने साहित्य का सृजन किया है. ये भारत के जन्मजात हैं लेकिन इन्होंने अंग्रेजी भाषा में अपना साहित्यिक अवदान प्रदान किया है. आई मीन दे हैव प्रोवाइडेड देयर लिटरल कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. अंग्रेजी साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने क्या किया है कि अपना जो लिटरल कंट्रीब्यूशन है, जो साहित्यिक अवदान है, वो इन्होंने प्रदान किया है. अब बच्चों हम इकोलॉजी पोयम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. देखेंगे आप ये जो पोयम है बच्चों इकोलॉजी, इसको पढ़ाने से पहले आप इस बात को समझो कि ये जो कविता है बच्चों इकोलॉजी से मतलब ये है कि हम जो इको फ्रेंडली चीजें हैं, ठीक है, देर आर सो मेनी थिंग्स विच आर इको फ्रेंडली चीजें जो है बच्चों हमें उनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए. क्योंकि आप जानते हो कई बार जो पॉलीथीन बैग्स वगैरह जो होते हैं इनका जब हम इस्तेमाल करते हैं तो बच्चों कई समय के बाद भी जो है मिट्टी में जो है ये इनका अपघटन नहीं होता. आई मीन इनका डिकम्पोजिशन नहीं होता है तो इनका अपघटन नहीं होता है तो ये मृदा के अंदर मिलते नहीं है और मृदा को खराब करते हैं. ये मृदा का मतलब जो सोयल है उसको खराब करते हैं. ये हमारा एटमोस्फियर जो है उसको बिगाड़ते हैं. इसलिए क्या है इस कविता का पैगाम बच्चों ये भी है कि हमें क्या करना चाहिए, वी शुड यूज इको फ्रेंडली थिंग्स. हमें जो इको फ्रेंडली थिंग्स का मतलब जो पर्यावरण से में घुलन मिलने वाली जो चीजें हैं उनका हमें इस्तेमाल करना चाहिए. इकोलॉजी को बच्चों अन्यथा इकोसिस्टम भी कहते हैं. और मैं आपको इंग्लिश में कविता पढ़ा जरूर रहा हूँ परंतु बेसिकली बच्चों ये टॉपिक बायोलॉजी या ज्योग्राफी का है. दिस इज अ टॉपिक आइदर ऑफ बायोलॉजी और ज्योग्राफी. हिंदी में बच्चों इसको आप पारितंत्र या पारिस्थितिकी कहते हैं. पारितंत्र या पारिस्थितिकी का मतलब तो बच्चों आपने छठी सातवीं में पढ़ लिया होगा. पारितंत्र या पारिस्थितिकी का मतलब ये होता है बच्चों हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं. जैसे आप जानते हो कि समंदर से पानी जो है वाष्पीकृत होता है, ठीक है, वाटर इज इवापोरेटेड फ्रॉम द ओशियन. और ये इवापोरेशन जब होकर के बच्चों ये अंतरिक्ष में जाता है, आकाश में जाता है, तो आप जानते हैं देर आर सम यू नो सम पार्टिकल्स आर देयर, कुछ दूर के कण होते हैं, सम सोयल पार्टिकल्स आर देयर, और उनसे मिलता है पानी और इसका होता है कंडेंसेशन, जिसे आप हिंदी में संघनन कहते हैं. बादल बनते हैं, बारिश होती है. ये तो क्या बच्चों वाटर साइकिल है, ये तो जलचक्र है बच्चों. लेकिन आप इस बात को जानते हैं कि हम गाय का दूध पीते हैं और गाय क्या करती है, वनस्पति को खाती है. वनस्पति जो है उसको क्या चाहिए, खनिज लवण वगैरह चाहिए. तो मेरा मतलब ये हुआ बच्चों हम गाय पर निर्भर करते हैं, गाय उस पर निर्भर करती है. इसे और भी सरल शब्दों में समझना चाहो बच्चों तो मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि संसार ये सृष्टि मत्स्य न्याय से चलती है. मत्स्य न्याय का मतलब होता है बच्चों कि यहां बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है. बड़ी मछली अपना आहार छोटी मछली से ग्रहण करती है, वह अपने आहार के लिए छोटी मछली पर निर्भर करती है. यही तो बच्चों पारिस्थितिकी है. आप जानते हो पौधे तो क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं. प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के बारे में आपने पढ़ा है कि पौधे जमीन से क्या करते हैं, पानी लेते हैं, खनिज लवण लेते हैं, और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और सूर्य की रोशनी में क्या करते हैं, वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं. लेकिन हम मनुष्य क्या करते हैं, अपना भोजन नहीं बना पाते. हम अपने भोजन के लिए या तो पादपों पर निर्भर करते हैं, और अगर पादपों पर नहीं करते तो हम उन जंतुओं पर निर्भर करते हैं जो पादपों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं. लेकिन बच्चों हमें प्रकाश संश्लेषण करना नहीं आता है. वी आर नॉट इन ए पोजिशन टू प्रिपेयर अवर ओन फूड. हम अपना भोजन बनाने की स्थिति में नहीं होते. अब आपका प्रश्न ये भी हो सकता है कि सर हम अपना भोजन खुद ही तो बनाते हैं, ये सच है. पर बच्चों रोटी के अंदर आप जिस गेहूं का इस्तेमाल करते हो वो गेहूं कहां से आता है, वो गेहूं जो है समझ गए, वो पादप है. और पादप का मतलब वो प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन बनाने वाले हैं. पौधों के पास ये विधि है कि वो प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बना पाते हैं, हम ऐसा नहीं कर पाते हैं. बहरहाल देखेंगे
एके रामानुजन की बच्चों ये जो पोयम है, इस पोयम का मतलब आप ये भी समझें। देखो इस कविता में जो मुख्य भाव है बच्चों, वो ये है कि ट्रेडिशन जो है, परंपरा है जिसे कन्वेंशन कहते हैं, उसके ऊपर जोर दिया गया है। कवि का जोर इस बात पर है कि हमें अपनी जो परंपराएं हैं उनको अनदेखा नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट नेग्लेक्ट, वी शुड नॉट डिसऑनर अवर ट्रेडिशंस। हमारी जो परंपराएं हैं वो बहुत अच्छी परंपराएं हैं, हमारी परंपराएं बहुत अच्छी परंपराएं हैं, और हमें क्या करना चाहिए है ना, हमें उन परंपराओं से चिपकना चाहिए। वी शुड अडेयर टू द ट्रेडिशंस ऑफ अवर कंट्री, द ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया। भारत की जो मर्यादाएं हैं, भारत की जो परंपराएं हैं, हमें उनका पालन करना चाहिए। ट्रेडिशन को बच्चों अन्यथा आप कन्वेंशन भी कहते हैं, ठीक है। कन्वेंशन का मतलब भी परंपरा ही होता है। तो जो कई लंबे समय से चली आ रही है बच्चों, उसे आप क्या बोलते हो, उसे आप परंपरा कहते हो। और जो परंपरा है उसे अंधी लाठी से मत पीटो, ठीक है। परंपरा को अंधी लाठी से मत पीटो, इसका मतलब ये हुआ कि परंपरा के प्रति हमारा प्यार बहुत स्वाभाविक है, लेकिन पिछली कभी क्लास के अंदर मैंने आपको भी पढ़ाया था कि हमें लकीर का फिकीर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जो पुरानी परंपराएं हैं जो आउटडेटेड हो गई है, या उनके अंदर जो ऐसी खराब कुरीतियां आ गई है, जो खराब तत्व हैं, अगर हम उनको समय रहते छोड़ना चाहते हैं या छोड़ने का हमें मौका मिलता है, तो हमें उनकी चिपकने की जरूरत नहीं है, उन बुराइयों को हमें छोड़ भी देना चाहिए। बहरहाल कम टू द पोयम, पोयम पढ़ेंगे बच्चों आप। द डे आफ्टर द फर्स्ट रेन, द डे आफ्टर द फर्स्ट रेन, फॉर इयर्स I would come home in a rage. For I could see from a mile away, out there red champak trees had done it again, had burst into flower and given mother her first blinding migraine of the season, with their straight long heavy hunger, yellow pollen, fog of a fragrance, the wind could shift. No door could shut out from our black pillared house, whose walls had ears and eyes, scales, smells, bone creaks, nightly visiting voices, and were porous like us. But mother, flashing her temper like her mother's twisted silver grandchildren's knickers, wet is the cold pack on her head, would not let us cut down a flowering tree almost age old as her she dead 25 she shed by a passing birds providential droppings to give her gods and her daughters and daughters' daughters basketfuls of annual flower. And for one line of cousins, a door of migraines in season. देखो बच्चों, कविता में कभी कहना चाहता है कि वो आया अपने घर पर। The day after the first rain का मतलब पहली बारिश के ठीक बाद वाले दिन। Day after tomorrow का मतलब होता है आने वाला कल। Day after tomorrow का मतलब आने वाला कल। तो the day after the first rain मानी पहली बारिश के ठीक बाद वाले दिन। पहली बारिश के ठीक बाद वाले दिन, द डे आफ्टर द फर्स्ट रेन, फॉर इयर्स आई वुड कम होम। फॉर इयर्स का मतलब कई सालों के पश्चात, फॉर इयर्स का मतलब आफ्टर मेनी इयर्स अर्थात कई वर्षों के पश्चात, आई वुड कम होम का मतलब बच्चों आई केम होम, यानी मैं घर आया। इन ए रेज का अर्थ होता है बच्चों, इन ए रेज का मतलब होता है इन ए टेम्पर, इन ए रेज का मतलब होता है गुस्से में। ध्यान देना क्या शब्द है, कल बताया था मैंने, इन ए रेज का मतलब गुस्से में होता है, और इन ए टेम्पर इसका मतलब भी गुस्से में होता है, ठीक है बच्चों। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके बाद आप क्या नहीं लगा सकते, ए नहीं लगाते हो। जैसे मैंने कहा था, अगर आप असमंजस की स्थिति में हैं तब आप कहोगे इन ए नहीं, कहोगे आप सीधे कहोगे इन डिलेमा, अर्थात आई एम इन डिलेमा, मैं असमंजस की स्थिति में हूं। उसी तरीके से आप कहते हो इन डेंजर, ये हो गया बच्चों खतरे की स्थिति, ठीक है, इन डेंजर। बताया मैंने, इन डिलेमा होता है, इन डेंजर होता है, इन डेट, इन डेट का मतलब होता है आप कर्जे में हैं, इन लव आप प्यार में हैं, इन टीयर्स आप रो रहे हैं, ठीक है, आप दुखों में हैं। तो उसी तरीके से बच्चों आप ये देख रहे हैं कि ये जो इन शब्द है इसका प्रयोग आप इस प्रकार से करते हैं, इन डिलेमा होता है, इन डेंजर होता है ना। उसी तरीके से इन ट्रबल भी होता है बच्चों, कई बार आप परेशानी में होते हैं तो आप बोलते हो आई एम इन ट्रबल,
आई एम इन ट्रबल, इन शब्दों से पहले बच्चों आप देख रहे हो मैंने इनका प्रयोग किया है, मगर मैंने इन तथा इन शब्दों के मध्य कहीं पर किसी भी अनावश्यक आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया है। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, लेकिन बच्चों यहां लगाया इनेरेज, इनेरेज का मतलब होता है यहां एक का प्रयोग होगा। देखो बच्चों कई शब्दों में होता है, जैसे आप कहते हो आई एम इन ए हरी, बोलो इन ए, ये हो गया इन ए हरी, यहां एक का प्रयोग होगा। उसी तरीके से बच्चों हम कहते हैं मेक ए नोइज, माने शोर मचाना। उसी तरीके से बच्चों आप कहते हो टेल ए लाई, माने झूठ बोलना। तो ये बच्चों इसी प्रकार से हैं, आजकल को अंग्रेजी में बोलते हो आप नाउ, एन ओ डब्ल्यू नाउ, फिर माइनस का चिन्ह लगाओ, ए फिर लगाओ डेज। तो बच्चों ये जो ए आ रहा है ये बिल्कुल आ रहा है, इसको आना ही फिक्स है। बोर्ड की तरफ देखेंगे आप, प्लीज लुक एट द बोर्ड, बोर्ड की तरफ देखो और इन चीजों को ये लिखने लायक है। देखो बच्चों इन ए रेज का मतलब होता है गुस्से में, इन ए टेम्पल, टेम्पल गलत लिख दिया बच्चों मैंने, इन ए टेम्पल का प्रयोग नहीं करना है आपको, आपको प्रयोग करना है इन ए टेम्पर। किसका प्रयोग करना है? ई आर, इन ए टेम्पर का मतलब भी बच्चों गुस्से में होता है ना, उतारना है बच्चों इनको प्लीज। देखिए बच्चों आपको हमने ये भी बताया, कई बार ध्यान देना इस किताब में बच्चों आपके आया कम होम, कम होम आया है। तो बच्चों कम के बीच में जो कम टू होम लगाते हो ये सदैव गलत होता है, इस बात का ध्यान रखो, कम होम होता है, कम टू होम नहीं होता है। उसी तरीके से बच्चों कम या गो,
ये लगा दिया मैंने गो एब्रोड। गो एब्रोड का मतलब विदेश में जाना होता है। तो बच्चों गो एब्रोड बिल्कुल सही है, इसके बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, नियम बच्चों ये है कि ये देखो मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, सी ए आर जी। ठीक है बच्चों, इसका मतलब ये हुआ सी माने आपको लिखना पड़ेगा कम, उसी तरीके से ए माने लिखेंगे आप एराइव, और आर का मतलब लिखेंगे बच्चों रीच अथवा रिटर्न, रीच अथवा रिटर्न, और जी माने लिखेंगे बच्चों गो। और इन सब का मतलब जो है बच्चों, इन सब के बाद अगर होम आ रहा है तो आपको बीच में टू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्लियर है? नियम बच्चों ये है, कम होम होता है, कम टू होम नहीं होता, अराइव होम होता है, अराइव टू होम नहीं होता, रीच होम या रीच टू होम होता है, रीच होम या रिटर्न होम होता है टू नहीं लगेगा, और गो होम होता है, गो टू होम नहीं होता है। क्लियर है बच्चों? एनी ऑफ। तो द डे आफ्टर द फर्स्ट वेन यानी बारिश के, द डे आफ्टर का मतलब होता ठीक बाद वाला, फर्स्ट रेन यानी पहली बारिश, पहली बारिश के ठीक बाद वाले दिन, फोर इयर्स माने कई सालों से, फोर इयर्स का मतलब होता कई सालों से, आई वुड कम होम इन ए रेज। ये बच्चों वुड का प्रयोग आप जानते हो, वुड एक मॉडल है जिसका प्रयोग पास्ट हैबिट के लिए किया जाता है, पास्ट हैबिट। जैसे महात्मा गांधी वुड स्पिन फॉर एन ओवर डेली, महात्मा गांधी हर दिन एक घंटा चरखा चलाते थे, महात्मा गांधी वुड स्पिन फॉर एन ओवर डेली, महात्मा गांधी हर दिन एक घंटे चरखा चलाते थे। उसी तरीके से बिफोर हिज मैरिज, उसकी शादी से पहले, ही वुड ड्रिंक ए लॉट बिफोर हिज मैरिज, वह अपनी शादी से पहले बहुत अधिक मदिरा पान करता था। तो बच्चों यहां पर हमने वुड का प्रयोग किया है पास्ट हैबिट के लिए, और खास तौर पे जो अजीबो गरीब पास्ट हैबिट होती है उसके लिए बच्चों पर वुड का ही प्रयोग करते हैं। जैसे नेपोलियन वुड ऑलवेज आस्क हिज सोल्जर्स थ्री क्वेश्चंस। नेपोलियन सदैव अपने किसी नए भर्ती हुए सैनिक से, खासतौर पर नेपोलियन वुड ऑलवेज आस्क हिज न्यूली रिक्रूटेड सोल्जर थ्री क्वेश्चंस। वह अपने नए भर्ती हुए सैनिक से हमेशा क्या करता था बच्चों, वह हमेशा अपने तीन सवाल पूछता था, ये उसकी अजीबो गरीब आदत थी। आई वुड कम होम, मैं घर आया करता था। यहां बच्चों वुड के स्थान पर एक बार यूज टू रख के देखो आप, फिर आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये जो बच्चों वुड है इसके एवज में इसे काट करके यूज टू का प्रयोग भी किया जा सकता है, दोनों सही हैं। मेरा मतलब ये जो दोनों मॉडल हैं दे आर इंटरचेंजेबल, अर्थात वो एक दूसरे के स्थान पर उनका प्रयोग किया जा सकता है। दोनों का प्रयोग हम पास्ट हैबिट को बताने के लिए करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है पर ज्यादा नहीं है। तो आप रख सकते हैं द डे बिफोर द डे आफ्टर द फर्स्ट रेन यानी पहली बारिश के ठीक बाद वाले दिन, फोर इयर्स माने कई वर्षों से, आई वुड कम होम, मैं क्या करता था, मैं कई वर्षों से अपने घर आया करता था, इन्हें रेज का मतलब गुस्से में। मुझे एक बात बताइए कि कई वर्षों से पहली बारिश के बाद जब आप अपने घर आते हो आप गुस्से में होते हो, ऐसा इसकी वजह क्या है? तो बच्चों पहली बारिश के ठीक बाद जब हम अपने घर आते हैं तो हम गुस्से में नहीं होते हैं। जब हम पहली बारिश के ठीक बाद अपने घर में आते हैं तो हम गुस्से में नहीं होते हैं, लेकिन एक रामानुजन ये कह रहा है कि जब भी वह पहली बारिश के ठीक बाद अपने घर में आता था तो वह हमेशा गुस्से में आता था। वजह क्या है? वजह बच्चों ये है कि उसके घर में एक चंपक का पेड़ लगा हुआ है, चंपक का पेड़, चंपक ट्री, और इस चंपक ट्री की प्रॉब्लम यह है बच्चों की बारिश की ऋतु में इसके ऊपर फूल खिलते हैं, और इसके फूल खिलते ही उसकी जो मम्मी है लेखक की मम्मी, उनको सर में आधा दर्द होता है, जिसे हम आधा शीशी का दर्द अंग्रेजी में माइग्रेन कहते हैं। और मम्मी उस पौधे को इतना प्यार करती है कि कष्ट पाएगी, पीड़ा भोगेगी, लेकिन फिर भी क्या करती है, उस पौधे को काटने नहीं देती है। उस पौधे को वो बहुत चाहती है, वो पौधा उन्हीं के द्वारा लगाया गया है, वो उस पौधे के जो पुष्प हैं उनको अपनी कटोरी के अंदर, अपनी जो कटोरी नहीं वो क्या बोलते हैं उसको, टोकरी के अंदर, बास्केट के अंदर इकट्ठा करती है, और उसकी जो डॉटर्स बेटियां जब आती हैं तो उनके लिए जो है फूल भेंट करती हैं। उसकी जो डॉटर्स की डॉटर्स माने उसकी जो समझिए दोईतियां आती है, उन दोईतियों के लिए भी क्या करती है, वह फूलों को भेंट करती है। तो लेखक ये कहता है कि कई वर्षों से ऐसा हो रहा है कि पहली बारिश के ठीक बाद जब मैं अपने घर आता था, आया करता था, तो मैं सदैव गुस्से में होता था। आई ऑलवेज यूज टू बी इन ए टेम्पर वेन आई केम होम जब मैं अपने घर आता था। ध्यान देना, फोर यानी होता बिकॉज, बच्चों एफ ओ आर फोर यानी के लिए होता है। लेकिन यहां आपको यह जानना चाहिए इस पर्टिकुलर कविता में, अर्थात इस आलोच्य कविता में
मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि फोर का मतलब कभी कभी बिकोज भी होता है, फोर का मतलब कभी कभी बिकोज भी होता है, बिकोज ऑफ भी होता है। देखो मैं बताता हूं आपको कैसे होता है। जैसे एक सेंटेंस है बच्चों, देखना आप, देखिए, देखो द कैशियर वाज टेकन टू टास्क, द कैशियर वाज टेकन टू टास्क फॉर शॉर्टेज, फॉर शॉर्टेज इन कैश बैलेंस। देखो बच्चों, ये पेशी वो इसका सेंटेंस है और इसमें यह बताया गया है कि सेठ जी आए और जो कैशियर या जो खजांची था, पैसे टके का हिसाब रखने वाला बाबू, उसको सेठ जी ने आते डांटा। तो देखो, द कैशियर वाज टेकन टू टास्क, ये बच्चों फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ होता है रेब्यूक्ड। रेब्यूक्ड का मतलब उसको डांटा गया। अभी भी समझ में नहीं आया तो बच्चों स्कॉल्डेड, ये शब्द सुना होगा आपने, स्कॉल्ड का मतलब डांटना होता है। आप कह सकते हो द कैशियर वाज स्कॉल्डेड या द कैशियर वाज रेब्यूक्ड और द कैशियर वाज टेकन टू टास्क, किसके कारण डांटा गया, उसको क्या गलती थी उसकी, फॉर शॉर्टेज मैंने कमी पाई गई, शॉर्टेज पाई गई, फॉर शॉर्टेज मैंने कमी पाई गई इन कैश बैलेंस। यानी कैश बैलेंस का मतलब बच्चों रोकड़ होता है। क्या होता है? तो रोकड़ में कमी पाई जाने के कारण, रोकड़ में कमी पाई जाने के कारण सेठ जी ने क्या किया, जो कैशियर उसको डांटा, उसको डांट मिली, उसको डांट फटकार मिली। तो बच्चों आपने ये देखा कि यहां फोर का मतलब क्या है, फोर का मतलब के लिए नहीं है, फोर का मतलब है बिकॉज ऑफ, क्या है, बिकॉज ऑफ। तो मैं समझाना चाहता हूं कि फोर का मतलब कभी कभी बिकॉज या बिकॉज ऑफ भी होता है। फोर यानी बिकॉज आई कुड सी, और आई कुड सी क्योंकि मैं देख सकता था, आई कुड सी का मतलब होता है बच्चों आई सा, और आई सा बिकॉज आई सा क्योंकि मैं देखता था, मुझे आते ही गुस्सा क्यों आ जाता था, बिकॉज आई सा क्योंकि मैं देखता था, क्या फ्रॉम ए माइल डिस्टेंस, एक मील दूर से मुझे दिख जाता था। समस्या दरअसल ये थी बच्चों कि कभी गुस्से के अंदर अपने घर में क्यों घुसता था, क्योंकि जब ये अपने घर में प्रवेश करता था तो एक मील दूर से इसको चंपक का पेड़ दिख जाता था, और चंपक के पेड़ को देखते इसके दिमाग में क्या विचार आ जाता था कि इसके फूल खिलेंगे, फूल खिलते मेरी मम्मी के सर में आधा दर्द होगा, मेरी मम्मी के सर में आधा नहीं, मेरे सर में क्या बोलते उसको, आधे सर का दर्द होगा, आधा शिशु वाला दर्द होगा। तो ये आग बबूला हो जाता था, इसको गुस्सा आ जाता था, और घर में ये क्या करता था, सदैव क्रोध में ही प्रवेश करता था। देखो, और आई कुड सी फ्रॉम ए माइल अवे, अवे का मतलब होता है बच्चों डिस्टेंस, बिकॉज आई सा दैट चंपक ट्री फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ ए माइल, क्योंकि एक मील दूरी से मैं उस चंपक के पेड़ को देख पाता था, आउट देयर, ठीक है, अरे आउट देयर अर्थात वहां बाहर की तरफ से मुझे दिखता था रेड चंपक ट्रीज, समझ गए, रेड चंपक ट्रीज का मतलब होता है बच्चों जो लाल रंग के चंपक के पेड़ थे, वो चंपक के पेड़ उसको दिख जाते थे, वो चंपक के पेड़ जो है उसको दिख जाते थे। हैड डन इट अगेन, उसको ये दिख जाता था कि उसने क्या किया है, उस जो रेड चंपक ट्री है, इट हैड डन इट अगेन, उसके साथ फिर वही हुआ है, उसके साथ फिर वही हुआ है, या यूं कह सकते हैं कि उसने इस बार भी वही गुल खिलाया है। समस्या क्या थी, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कवि पहली बारिश के ठीक बाद वाले दिन जब कई वर्षों से अपने घर आता था तो वह गुस्से में आता था, वजह क्या थी, वजह यह थी बच्चों क्योंकि एक मील दूर से ही उसे ये दिख जाता था, एक मील दूर से ही वह ये देख पाता था कि उसके घर में जो चंपक के पेड़ हैं इस बार भी उनके साथ वही हुआ है। देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, आउट देयर रेड चंपक ट्रीज हैड डन इट अगेन, इसका मतलब यह हुआ कि जो लाल चंपक के पेड़ों ने इस बार भी वही किया है, या लाल चंपक के पेड़ों के साथ इस बार भी वही हुआ है, इस बार भी क्या हुआ है, वही जो है लाल लाल क्या आ गए हैं, फूल आ गए हैं, उन फूलों से क्या निकलती है, एक विशेष प्रकार की गंध निकलती है, और वो गंध क्या करती है, वो गंध उसकी जो मदर है, उस मदर का जो माइग्रेन माने आधा शीशी का जो दर्द है, उस दर्द को बढ़ाने वाली गंध निकलती है, उस दर्द को बढ़ाने वाली गंध निकलती है, और यही वजह है कि लेखक का दिमाग खराब हो जाता है, अर्थात वह अपने घर में प्रवेश नहीं करता, उससे पहले वो क्या हो जाता है, वो क्रुद्ध हो जाता है, वो ही बिकम्स इन ए टेम्पर, अर्थात वह जो है तो मतलब क्या बोलते हैं, क्रोधावेश में आ जाता है, क्रोधाभिभूत हो जाता है। देखो, हेड डन इट अगेन, हेड बर्स्ट इन टू फ्लोवर, ये भी देखो बच्चों, हेड बर्स्ट इन टू फ्लोवर, इसका मतलब ये होता है, मैंने आपको कई बार समझाया है बच्चों, बर्स्ट अंग्रेजी में एक वर्ब है जिसका माने होता है प्रस्फुटन होना, फट पड़ना, फूट जाना। देखो आप क्या शब्द बोला मैंने, ये बच्चों मैंने बोला बर्स्ट,
पहली बात तो बच्चों ये समझो कि ब्रस्ट एक वर्ब है, ठीक है, इसका उच्चारण क्या होगा, बर्स्ट, बताता हूं, देखो ये ब, ये स और ये यान लगाओ। अब बच्चों पहली बात तो ये वर्ब है और दूसरी बात बच्चों इसकी सेकंड फॉर्म और इसकी थर्ड फॉर्म यही होती है, बर्स्ट बर्स्ट बर्स्ट, इसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म अलग अलग नहीं होती, एक बात। दूसरी बात बच्चों आप ये समझो कि बर्स्ट के बाद में इसका मतलब क्या बताया मैंने, फूटना, जैसे आप जानते हो क्या फूटना, कांच फूटता नहीं, जैसे क्या होता है कली फूट जाती है, ठीक है, कली फूटती है और उसमें से क्या निकलता, अंकुर निकलता है, फूटना, फट पड़ना, बादल फट जाता है, फट पड़ना, या बच्चों हिंदी में एक शब्द है प्रस्फुटन, ऐसा शब्द देखो प्रस्फुटन, ऐसा इसका मीनिंग है। अब बच्चों में कई बार कहता हूं शी बर्स्ट, यानी वह जो लड़की थी उसने क्या किया, शी बर्स्ट इंटू टीयर्स, इसका मतलब वह लड़की फूट फूट कर रो पड़ी। देखो बच्चों इंटू फिक्स है, इंटू आएगा, बिल्कुल आएगा, ओके। एक आता है बच्चों कोई आदमी जोर जोर से खिड़खिला के हंसता, तो हम क्या बोलते हैं, ही बर्स्ट इंटू लॉफर, LAUGHTER लॉफर, तो बर्स्ट इंटू टीयर्स यानी फूट फूट कर रोना होता है, और बर्स्ट इंटू लॉफर का मतलब अट्टहास करके या खिलखिला करके हंस पड़ना होता है। और बच्चों आगे एक शब्द आपकी किताब में क्या आया है, बर्स्ट इंटू फ्लावर का मतलब ये होता है बच्चों कि इस बार भी क्या हुआ है, इस बार भी कवि के मकान के आंगन में जो चंपक के पेड़ लगे हुए हैं, इस बार भी दे हेव वंस अगेन बर्स्ट इंटू फ्लावर्स, अर्थात इस बार भी वो फूलों से लदे पदे पड़े हैं, अर्थात इस बार भी वो फूलों से क्या हो गए हैं, पूरी तरह लद गए हैं, इस बार भी उनके ऊपर बहुत सारे फूल आ गए हैं, वो फूलों से लदे पदे हैं, देखो लदे पदे हैं। और एक शब्द क्या आया इसमें, हैड डन इट, हैड डन का मतलब के साथ वही हुआ है, इस बार भी उस उन चंपक के पेड़ों के साथ वही हुआ है, हैड, इस हैड के आगे बच्चों कुछ भी नहीं आ रहा ना, चूंकि इस हेड के आगे कुछ भी नहीं आ रहा है इसलिए बच्चों दे लगा लो, ये दे किसके लिए आ रहा है, ये चंपक के पेड़ों के लिए आ रहा है, दे हेड बर्स्ट इंटू फ्लोवर, दे हेड बर्स्ट इंटू फ्लोवर का मतलब इस बार भी वे फूलों से जो है पूरी तरह लदे पदे हैं। एंड गिवन, गिवन के आगे लगाओ, दे हेड गिवन, एंड दे हेड गिवन, और इस बार भी उन्होंने दिया है मदर यानी माँ को हर फर्स्ट ब्लाइंडिंग माइग्रेन, और इस बार भी उन्होंने मेरी मां को उसका पहला अंधतादायक आधा शीशी का दर्द प्रदान किया है। देखो ब्लाइंडिंग यानी क्या बताया, BLINDING, ब्लाइंड यानी अंधा होता है बच्चों, और जब आप ब्लाइंडिंग का प्रयोग उसके आगे कर रहे हो माइग्रेन के पहले, तो इसका मतलब होता है बच्चों अंधता, अंधतादायक, यानी इस बार भी क्या किया है, दे हैव वंस अगेन बर्स्ट इंटू फ्लावर, अर्थात इस बार भी वो जो है फूलों से हैं, फूलों से लदे पदे हैं, अर्थात उनके ऊपर बहुत अधिक जो है फूल आ गए हैं, और उन्होंने इस बार भी क्या किया है, दे हैव वंस अगेन गिवन माय मदर, इस बार भी उन्होंने मेरी माँ को क्या दिया है, इस बार भी उन्होंने मेरी माँ को क्या दिया है, हर ब्लाइंडिंग माइग्रेन, अर्थात उसका अंधतादायक आधा शीशी का दर्द उन्होंने पहला, फर्स्ट यानी पहला होता है, अर्थात उन्होंने हर यानी माँ को, अर्थात उन्होंने इस बार भी लेखक की माँ को उसका अंधतादायक आधा शीशी का दर्द प्रदान किया है। ऑफ द सीजन माने उस सीजन का, प्रत्येक सीजन जो होता है बच्चों, सीजन को आप हिंदी में ऋतु कहते हैं, वेदर को मौसम कहते हैं, तो प्रत्येक जो सीजन है, प्रत्येक सीजन है, तो इस सीजन का यानी इस सीजन का या इस ऋतु का क्या हुआ है कि पहला अंधतादायक जो आधा शीशी का दर्द है वो उन्होंने उपहार के रूप में किसे प्रदान किया है, उन्होंने मेरी माँ को प्रदान किया है, और यही कारण है ऐसे दृश्य को देखते ही लेखक का दिमाग खराब हो जाता था, और अगर उसका बस चलता तो अपने घर के आंगन में उगे हुए जितने भी चंपक के पेड़ थे उन सबको उखाड़ के वो फेंक देता। पर समस्या ये थी कि माँ क्या करती थी कि माँ दर्द को सहन करती थी, पीड़ा को बर्दाश्त करती थी, लेकिन वो पेड़ों को इतना प्यार करती थी, वो इतनी, एक्चुअली आप बच्चों इस बात को जानते हैं, इस कविता के माध्यम से ये पैगाम दिया गया है कि पेड़ों के दोष देख करके हम पेड़ों को काटते हैं, ठीक है, और इससे हमारा जो माहौल है, हमारा इकोसिस्टम या हमारी जो इकोलॉजी वो बिगड़ रही है, हमें क्या करना चाहिए, पेड़ों को काटना नहीं चाहिए, किसी भी सूरत में पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, अब हमें अमृता देवी बिश्नोई से शिक्षा लेनी चाहिए, हमें सुंदरलाल बहुगुणा से जिन्होंने चिपको आंदोलन चलाया, हमें उनसे शिक्षा लेनी चाहिए कि पेड़ जो है उस पेड़ के साथ ये होता है कि पेड़ को जब काटने के लिए लोग आए तो पेड़ों से चिपक गए, उन्होंने कहा पहले हमें काटिए उसके बाद में पेड़ों को काटो। तो यहाँ बच्चों जो पेड़ों की महत्ता है उसके बारे में बताया गया है, और इसी प्रकार से हम अगर वृक्षों की अंधाधुंध कटाई करते रहेंगे तो मृदा अपरदन बढ़ेगा, हमारा इकोसिस्टम गड़बड़ा जाएगा, और आने वाली पीढ़ियां जो है वो क्या हो जाएगी, आने वाली पीढ़ियों के सामने बहुत अधिक परेशानियां पैदा हो जाएंगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें क्या करना चाहिए, हर सूरत में पेड़ों को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। माना कि पेड़ों के अपने नुकसान है, पेड़ कांटे देते हैं,
परंतु बच्चों उसके कई फायदे भी तो हैं, देखना पड़ेगा। विद देयर स्ट्रीट लॉन्ग हेवी हंग, देखो बच्चों यह दिया गया, विद देयर स्ट्रीट लॉन्ग हेवी हंग येलो पोलन फॉग ऑफ ए फ्रेग्रेंस नो विंड कुड शिफ्ट। तो बच्चों आप ये देखो कि फूल खिल गए हैं, क्या हो गया है, फूल खिल गए हैं और उनका पीला प्राग इस कदर खुशबू का, इस कदर खुशबू का कोहरा बन करके सारी सारी सड़क के ऊपर व्याप्त हो गया है जिसे कोई भी हवा दूर नहीं कर सकती है। देखो आगे क्या लिखा, नो विंड कुड शिफ्ट, जिसे कोई भी हवा दूर नहीं कर सकती है, नो विंड कुड शिफ्ट। देखो बच्चों ये एस एच आई एफ टी नहीं है, ये एस आई एफ टी लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक्चुअली तो शिफ्ट का मतलब दूर करना होता है, तो स्प्रिंग तो कायदे से एस एच आई एफ टी होनी चाहिए थी, पर ये देखो आप नो विंड कुड शिफ्ट का मतलब जिसे कोई भी हवा क्या नहीं कर सकती है, शिफ्ट नहीं कर सकती है, उसका स्थान परिवर्तन नहीं कर सकती है। आप देखो विद देयर स्ट्रीट लॉन्ग हेवी हंग, देखो आगे लिखा येलो पोलन, येलो का मतलब क्या बताया बच्चों, पीला, और पोलन का मतलब बताया मैंने प्राग, यानी उनका जो पीला प्राग है, ठीक है, उनका पीला प्राग जो है बच्चों वो क्या हो गया है, उनका पीला प्राग इस कदर खुशबू का कोहरा बनकर, देखो फोग यानी होता कोहरा, ओपे फ्रेग्रेंस माने खुशबू, उनका पीला प्राग खुशबू का कोहरा बनकर के इस कदर क्या हो गया है, विद देयर स्ट्रीट लॉन्ग हेवी हंग का मतलब इस कदर सड़क के ऊपर व्याप्त हो गया है जिसे कोई भी हवा क्या नहीं कर सकती है, कोई भी हवा अपने स्थान से मुंह नहीं कर सकती है। देखो विद देयर स्ट्रीट लॉन्ग हेवी हंग, इसका मतलब यह हुआ कि पूरी स्ट्रीट के ऊपर, पूरी गली के ऊपर, पूरी सड़क के ऊपर क्या है, बहुत दूर दूर तक क्या व्याप्त हो गया है, बहुत दूर दूर तक व्याप्त हो गया है उनका पीला प्राग, उनका पीला प्राग जो है वह सुगंध का या खुशबू का कोहरा बन करके पूरी सड़क के ऊपर इस कदर छा गया है कि किसी भी हवा के द्वारा, आप जानते हैं जब हवा आती है तो हवा कोहरे को दूर नहीं कर पाती है, ठीक उसी प्रकार से कोई भी हवा जो है उस सुगंध के कोहरे को दूर नहीं कर सकती थी, कोहरा बन करके वो सुगंध छा गई है। और सुगंध तो अच्छी बात है बच्चों, पर समस्या ये है कि जो जो वो सुगंध बढ़ती है, त्यों त्यों लेखक की जो मदर है उनका माइग्रेन अर्थात उनकी जो आधा शीशी का दर्द है वो त्यों त्यों ही बढ़ता जाता है। और आगे देखो, नो डोर कुड शट आउट, नो डोर कुड शट आउट का मतलब कोई भी दरवाजा जो है नहीं रोक सकता था फ्रॉम अवर बैक, फ्रॉम अवर बैक, तो बच्चों बैक का मतलब क्या होता है, घर का पिछवाड़ा, यानी हमारे घर के पिछवाड़े से हैं, फ्रॉम अवर, सॉरी बैक नहीं है ये ब्लैक है, फ्रॉम अवर ब्लैक पिलर्ड हाउस, हमारा काले खंभों वाला जो मकान है, ब्लैक पिलर्ड हाउस का मतलब हमारा काले खंभों वाला जो मकान है, हुज वॉल्स हैड ईयर्स, जिसकी दीवारों में कान है, अर्थात दीवारों में जगह जगह छेद हो रखे हैं, जिसकी दीवारों में कान है, कहते हैं दीवारों में कान होते हैं, दीवारों में कान नहीं होते, दीवारों में छेद हो सकता है जिससे आपकी आवाज जो इधर उधर जा सकती है। तो नो डोर कुड शट आउट, इसका मतलब ये हुआ कि नो डोर कुड प्रिवेंट फ्रॉम, कोई भी डोर, कोई भी दरवाजा जो है वो उस सुगंध को नहीं रोक पाता था, फ्रॉम अवर ब्लैक पिलर्ड हाउस, उस सुगंध को हमारे उस काले खंभों वाले मकान में प्रवेश करने से, उस सुगंध को हमारे काले खंभों वाले उस मकान में प्रवेश करने से कोई भी दरवाजा नहीं रोक सकता था, वो जेड ईयर्स, क्योंकि दरवाजा क्या करेगा बच्चों, उसके मकान की दीवारों के अंदर छेद थे, एंड आईज, ईयर्स एंड आईज का मतलब उसके जो दरवाजे हैं, उसकी दीवारें हैं, उन दीवारों में क्या थे, उसकी दीवारों में कान और आंखें थी, इसका मतलब उसकी दीवारों में जगह जगह छेद बने हुए थे, और उन छेदों में पेवस्थ होकर के उन छिद्रों के जरिए क्या होता था, उन छिद्रों के जरिए वो जो प्राकणों की सुगंध का कोहरा था वो कोहरा अंदर तक प्रवेश करता था, और वो सुगंध जो ही घर में व्याप्त होती थी, क्यों ही जो है लेखक की माँ है उनके आधा शीशी या माइग्रेन का जो दर्द है वो द्विगुणित होता था, अर्थात वो दुगुना हो जाता था। आगे देखेंगे, आगे बताया बच्चों स्केल्स, ओके स्केल्स का मतलब होता है बच्चों संगीत की सरगम, स्मेल्स दुर्गंधें, बॉन क्रीक्स, बॉन क्रीक का मतलब क्या होता है, अड्डियों के छट छट करने की आवाज, नाइटली विजिटिंग वॉइसेस का मतलब होता है नॉक्टर्नल क्रीचर्स, रात्रि कालीन जो जिसको बोलते हैं आप निशाचर, निशाचर कौन होते हैं, राक्षस होते हैं, उल्लू है, या रात्रि काल के अंदर आपको पता है रात्रि काल के अंदर जो भी जीव जंतु विचरण करते हैं उन्हें आप नाइटली विजिटिंग वॉइसेस कहते हैं, या यो कह सकते हैं रात्रि कालीन जो प्राणी हैं, एंड वर पोरस अर्थात वे भी कहते पोरस थे, ये सब जो चीजें जो छिद्रों वाली थी लाइक असमाने हमारी तरह, क्या बताया स्केल्स यानी संगीत का सरगम, स्मेल्स वाली दुर्गंधें, बॉन क्रीक्स का मतलब होता है के चटचट करने की आवाज, नाइटली विजिटिंग वॉइसेज, और रात्रि चरों या निशाचरों, एंड वर पोरस लाइक अस
और क्या था, और बच्चों ये सब चीजें क्या थी, ये सब चीजें हमारी तरह छिद्रों वाली थी, ये सब चीजें हमारी तरह छिद्रों वाली थी। आगे देखो, बट मदर, परंतु आगे लिखा हुआ बच्चों, बट मदर, लेकिन जो माँ है, बट मदर परंतु जो माँ है, लिखा बट मदर परंतु माँ, फ्लैशिंग हर टेम्पर, परंतु माँ अपने गुस्से को बरपाते हुए, फ्लैश माने होता है बच्चों चमकाना, जैसे आप करते हो कैमरा क्या करता है, फ्लैश करता है, तो फ्लैश का मतलब एक प्रकार से चमक पैदा करना होता है। तो माँ अपने क्रोध की कांति को चमकाते हुए, या परंतु माँ अपने गुस्से को बरपाते हुए, लाइक हर मदर्स ट्विस्टेड सिल्वर, यानी लेकिन मेरी माँ, उसकी माँ की जो ट्विस्टेड सिल्वर थी, लेकिन मेरी माँ, मेरी नानी की ट्विस्टेड यानी होता बच्चों मुड़ी हुई, और सिल्वर का मतलब होता है चांदी, सिल्वर का मतलब होता है चांदी। तो परंतु मेरी माँ, उसकी भी माँ अर्थात जो मेरी नानी है, उस नानी की जो मुड़ी हुई चांदी है, उस मुड़ी हुई चांदी की तरह अपने क्रोध को बरपाते हुए क्या करती थी, ग्रांड चिल्ड्रन से, है ना, लाइक हर मदर्स ट्विस्टेड सिल्वर ग्रांड चिल्ड्रन से निकर्स, लाइक हर मदर्स यानी अपनी माँ के ट्विस्टेड यानी मुड़े हुए सिल्वर मानी चांदी के ग्रांड चिल्ड्रन निकर्स, अर्थात जो जो ग्रांड चिल्ड्रन अर्थात जो पोते हैं, उन पोतों के निकरों की तरह वह क्या करती थी, वह अपने क्रोध को बरपाती थी। वेट इज द कोल्ड पेक ऑन हर हेड, वेट, हाँ बच्चों आगे दिया है, वेट मानी क्या होता है, वेट का मतलब बताया मैंने आपको, गीला होता है। वेट इज द कोल्ड पेक ऑन हर हेड, उसके सर के ऊपर जो कोल्ड पैक है, कोल्ड पैक से मतलब क्या हुआ, कोल्ड माने ठंडा होता है, तो वेट इज द कोल्ड पैक ऑन हर हेड अर्थात उसके सर के ऊपर रखा हुआ जो कोल्ड पैक है, उसकी तरह गीला, वुड नॉट लेट अस कट डाउन, बट शी वुड नॉट लेट अस कट डाउन, शी वुड नॉट अलाउ अस टू कट डाउन, शी वुड नॉट अलाउ अस टू कट दैट ट्री, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी क्या था, शी वुड नेवर अलाउ अस, वह हमें कभी अनुमति नहीं देती थी उस पेड़ को काट देने की, ऑफ ए फ्लावरिंग ट्री, फ्लावरिंग ट्री का मतलब फूलों वाला वृक्ष, इतना होने के बावजूद भी क्या होता था बच्चों, जो फूलों वाला वृक्ष था, उस फूलों वाले वृक्ष को काटने के लिए वह हमें किसी भी सूरत में अनुमति नहीं देती थी। तो बच्चों इस तरह से आज की बात यही समाप्त, और बाकी बात अगली क्लास में। नमस्कार।